ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बॉर्ड जब से रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने अपनी ओपनिंग से ही बॉलीवुड की बाकी सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। लोगों के साथ साथ इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले, जहां अपने पहले दिन फिल्म ने हिंदी, तेलुगु और तमिल सभी वर्जन को मिलाकर 54 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करी, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 23 करोड़ 10 लाख रुपए कमा लिए हैं। वहीं अब लीजिए फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। बता दें कि फिल्म ने अपने तीसरे दिन लगभग 20 से 21 करोड़ के आसपास की कमाई की है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म ने अब तक 94 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। बता दें कि फिल्म ने अपनी प्री बुकिंग में भी 31 से 32 करोड़ की कमाई की थी, तो सब मिलाकर देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ के क्लब में तो शामिल हो गई है। साथ ही उसमें काफी इजाफा भी देखने को मिल सकता है। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए तो ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन और टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा श्रॉफ ने भी काफी तारीफ की है। बात करें इस फिल्म की तो फिल्म को थिएटर्स में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। लगभग 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर के साथ साथ वाणी कपूर भी नजर आई हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में गुरु चेले की जोड़ी पर्दे पर क्या क्या धमाल करती है। वैसे आपने फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।